घोगाव तक लगेज ले जाने को लेकर रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर के बीच विवाद हुआ। इससे नाराज ड्राइवर ने फोन कर अपने 20-25 साथी मौके पर बुला लिए। हथियारबंद युवकों ने कंडक्टर को परिसर में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीच बचाव करने पर स्टेशन मास्टर को भी जमकर पीटा। युवकों ने ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ भी की। मारपीट की सूचना मिलते ही सराय मीरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मारपीट कर रहे दो युवकों को हिरासत में ले लिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ब्रजेश, किस बात को लेकर आपसे मारपीट की गई? हमने चालक से तय किया था कि हमने लगे थोड़े अंदर मोगा का 50 रुपये नंग। इन्हें बोले नहीं ला देंगे हम। हमने नहीं, चालक कह दिया हम उतरवा लेंगे भाई नीचे। उतारते तो नहीं ले जाएंगे, उतारते नीचे। इसने मांगे मेरे टूटा पकड़ लिया। इसने आगे किसने पकड़ लिया? परचालक ने, जो गाड़ी ले जाता था उसने टूटा पकड़ लिया। कौन सी बस का था परचालक? 30-35 नंबर था उसका। 59-35 नंबर। कहाँ की बस थी वो? कन्नौज दिल्ली चल रही थी। अच्छा, कन्नौज डिपो गाड़ी। फिर क्या हुआ? हमने बात की, नहीं माने को भाई नीचे उतार लो लगे उनका। नहीं माना, टूट पकड़े। इनका लोकल आदमी आगे ये साले गाली देगा, माँ की गाली दे रहा है। उन्हें हाथ पाई चल गुजा अकेले पड़ गए। हमारे कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले 25 लोग थे। हाँ, मारपीट कहाँ पे हुई है? मारपीट ये गेट पे हुई है, बस अड्डे में हुई है। बस अड्डा परिसर था, बस अड्डा किला उसमें बंद कर दिया हमारे को। लात मारी, गेट खोल दिया, उसमें ईटा पता चला है, सब काम चला है। स्टैंड पर मारपीट के मामला सामने आया है, कुछ हथियारबंद हथियार लेकर बदमाश घुस आए, तो मारपीट की क्या पूरा मामला? हाँ, हम ऑफिस में बैठ के अपने ऑफिस का कार्य कर रहे थे। ऑफिस के अंदर तो चालक परचालक से किसी अराजक तत्वों द्वारा बातचीत हुई। उनको मारते हुए हमारे ऑफिस के अंदर घुसते हुए चले आए और चालक को मतलब अंधाधुंध मार रहे थे। मेरे भी कुछ चोटें लगी, बेल्ट डंडे और कुर्सी उठा उठा सीधे सीधे ऑफिस के समझ मार रहे थे। रजिस्टर सब फाड़ दिए, वो रजिस्टर अभी सब नीचे पड़े हुए हैं, कांच सीधे टूटे हुए पड़े हुए हैं। और इसी तरीके से ये सब होगा तो कैसे होगा? आपको लेकर मारपीट हुई थी कुछ जानकारी? अब जी हमें जानकारी, चालक परचालक जो है इनके कुछ कह रहे हैं कि लगेज के संबंध में कोई बातचीत हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या कदम उठाया गया? पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आए थे, दो लोगों को पकड़ के ले गए। मारपीट बस स्टैंड परिसर में हुई है ना? हाँ, ऑफिस के बाहर परिसर में हुई, ऑफिस के अंदर भी हुई। हमने मारने वाले कितने लोग थे? करीब 20 या 25 लोग थे लड़के, सब नए लड़के थे। एक कुमार, हाँ, एक